नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार श्रमिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पहले तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जो है मैं बता दूं कि आज से रजिस्ट्रेशन नंबर सबको भेजा जा रहा है मोबाइल पे। जो बोल रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि मेरा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब वगैरह वगैरह, मुझे कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर सरकार भेजना शुरू कर चुकी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर, श्रमिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं किया है, तो चलिए आज पे मैं फिर से बता दूंगा कैसे करना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कर लीजिए ताकि आपको भी ये फ़ायदा मिल सके। 5500 प्लस 3000 रुपये सालाना आपको दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और जो मैसेज आया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने मुझे एक भाई साहब ने भेजा है, मेरे वीडियो देखकर ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो देखिए, इनका मैसेज आ चुका है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है भेज दिया गया है, और इसे आपको सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि डिलीट कर दीजिएगा, अगर डिलीट भी करना हो तो आप इसे लिख के रखिएगा, भविष्य में आपको यही काम देने वाला है। अगर नहीं रहेगा तो फिर बाद में भी आप फंस सकते हैं, आपका पैसा अटक सकता है, इसलिए इसे रखिए। पैसा कैसे मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, ये दूसरा मैसेज है, ये भी एक किसी ने भेजा है मुझे, आप देख सकते हैं इनका भी वही मैसेज आया है, इनका एप्लीकेशन नंबर दूसरा है, देख सकते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो देखिए, अभी चुनाव का समय है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा, इतना जान लीजिए। और चलिए देखते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है विस्तार से। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, विस्तार से अगर आपको देखना है रजिस्ट्रेशन कैसे होती है तो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने आ जाएगा। कौन सा वीडियो रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे यही वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला था, तो इसे 2,29,000 लोगों ने लगभग देखा है, और बहुत सारे लोगों ने, लगभग 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा मिलता है, तो मैं उन लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने देखा था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लें, मैसेज आना शुरू हो चुका है। और बहुत सारे लोग जो थे पूछ रहे थे कि जो प्रिंट आउट क्या दे ग्राहकों के लिए, जो साइबर कैफ़े वाले लोग हैं, बाज़ार में दुकान खोल के रखे हैं और वो ऑनलाइन करते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हम लोग प्रिंट आउट क्या दे। तो दोस्तों, प्रिंट आउट नहीं दे रहा था तो हम क्या बताते। अब मैसेज आने लगा है, आप लोग आवेदन करिए और उनको कहिए कि मैसेज के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्म सारा किया जाएगा। अब देखिए मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारा प्रक्रिया आसान है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर एक देना है और आधार कार्ड आपको देना होगा, बाकी आपसे जो भी डिटेल पूछा जाए उसे भरना होगा। तो विस्तृत वीडियो मैंने डाला है, यहां पे आपको दिखाई देगा वीडियो के अंत में, तो देख लीजिएगा वीडियो, यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही करेंगे क्लिक, आपको वो उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे, और लिंक भी मैंने दे दिया कि कैसे भरना है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, बोल रहे थे सारे लोग कि आप जो जितने भी बातें बोले हैं वो गलत है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि गलत नहीं, मैं जो भी बोल रहा था बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखिए बिहार सरकार की ही वेबसाइट है, आप यहाँ पे स्कीम देख रहे होंगे, आप जब वेबसाइट खोलिएगा तो ये स्कीम पे क्लिक करिएगा, तो देखिए क्या क्या फ़ायदा मिलती है इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना, इस पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, टच करते ही आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या क्या आपको फ़ायदे दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने से। डाउनलोड हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए डाउनलोड हो चुका होगा, ये देखिए ये खुल गया अपने से, खुद से ही खुल चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना में क्या क्या मिलता है। ये योजना जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2008 से ही चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं करता, मुझे ही नहीं पता था पहले, अब जाकर पता चला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि प्रवासी मजदूर की आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 18 से 65 वर्ष के बीच के लोग जो हैं इसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्या क्या फ़ायदा ये आपको मिलती रहती है देख सकते हैं, ये रहा
अगर आपका मृत्यु हो जाता है किसी दुर्घटना बस आपको काम करते वक्त, तो 1 लाख रुपये आपके परिवार को दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 75,000 रुपये किसके लिए, अगर आप अपंगता यानी विकलांग वगैरह हो जाते हैं काम करते वक्त, तब अगर आपको आंशिक रूप से चोट लगती है और अपंगता होती है तो 37,000 रुपये आपको दी जाती है। और देखिए क्या दिया गया है, अगर आप किसी कारणवश जैसे देखे होंगे कि लॉकडाउन में फंस जाते हैं तो बिहार सरकार आपको 1,000 रुपये दी है, ये भी पता होगा, लेकिन नियम जो है 1,500 रुपये देने का है, और उसके अतिरिक्त 500 भोजन के लिए, और जब आपको घर लाया जाता है तो उसके अतिरिक्त आपको 500 रुपये मिलते हैं, यानी कुल 2,500 रुपये जो आपको व्यय करने हैं। लेकिन अभी इस वक्त लॉकडाउन के कारण जो है बिहार सरकार मुश्किल से 1,500 रुपये तक दे रही है, ठीक है, ये अभी का मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करने पे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि 5,500 प्लस 3,000 सालाना आपको मिलते हैं। 5,500 जो है आपको एक बार दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन ये आप लोग पूछ रहे थे कि पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों सरकार तय करेगी कि पैसा कब मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता कि पैसा कब देगी सरकार। सरकार कहा है कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पैसा आप लोगों को भेजा जाएगा। 5,500 तो ये आपका एक बार मिलता है, लेकिन 3,000 जो है स्वास्थ्य मद में, यानी आपका जो हेल्थ है उसके लिए आपको 3,000 रुपये हर साल आपके अकाउंट में दी जाती है। और फॉर्म भरते वक्त आप लोगों ने पूछा था कि जब अकाउंट नंबर ही नहीं लिया तो पैसा कैसे मिलेगा, पैसा दोस्तों मिलता है आपका आधार कार्ड, आपको पता होगा आधार कार्ड से आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है, तो जब आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो समझिए कि आप अपना अकाउंट नंबर भी दे चुके हैं, इसलिए अकाउंट नंबर अब नहीं मांगा जा रहा है। आपको जो भी खाता आपका आधार से जुड़ा होगा आपको उसमें पैसा भेज दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि मेरे पास दो दो अकाउंट है तो दोनों आधार से जुड़ा है तो किस में पैसा जाएगा, तो दोस्तों जो अकाउंट सबसे ज़्यादा चलता है उसी में आपका पैसा जाता है। जो बिहार में होगा आपका खाता, जैसे ग्रामीण बैंक अगर है तो आपको सबसे पहले ग्रामीण बैंक में ही भेजा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक जो है वो बिहार सरकार की है। अगर आपका ग्रामीण बैंक में खाता नहीं है तब आपका कोई दूसरे बैंक में अगर खाता है तो उसमें पैसा भेजा जाएगा, लेकिन वो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा ब्रांच में जाकर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने लिंक भी दे दिया है, वीडियो कैसे बनाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका वीडियो का भी लिंक मैंने दे दिया है, आप देखकर बना सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करना होगा आपको, देखिए मैं एक थोड़ा सा झलक दिखा दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका ये वेबसाइट खुलेगी तो 1-2 मिनट का टाइम लेता है, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं खुलता है, देखिए कैसे खुल रहा है मेरा, साफ के सामने ही मैंने खोला, देखिए खुल चुका है। अब यहाँ श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करना है, ये आपका देखिए यहाँ पर खोज रहा है, क्या क्या खोज रहा है, नाम खोज रहा है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही सेम टू सेम देना है, इंग्लिश में भरना है, हिंदी में बिल्कुल नहीं भरना, हिंदी में भरिएगा ये फॉर्म जो है आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको इंग्लिश में ही भरना है, टोटल चीज आपको इंग्लिश में भरना है, हिंदी में भरिएगा नहीं होगा। इंग्लिश में नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, पुरुष महिला जो भी है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो OTP पासवर्ड भेजा जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। पिता पति का नाम डालना है, जन्मतिथि डालना है, और कृपया वैवाहिक स्थिति आप कुंवारे हैं या शादीशुदा हैं ये आपको बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का देखिए एक तरीका है, जो आप लोग बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए तरीका जो है ये देखिए, यहाँ पे जो आपको 2020 दिखाई दे रही होगी, ये देखिए 2020 जो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही साल दिखाई देता है, और इसको और पीछे ले जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करिएगा देखिए ये बदल जाएगा, ये देखिए ये इसमें से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 1996 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 1996 पे क्लिक कर दीजिए। 1996 पे क्लिक करने के बाद महीना आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए 1996 में दिसंबर में आपका जन्म हुआ तो दिसंबर को टच कर लीजिए, अब दिसंबर में कौन सी तारीख थी उसको टच कर लेना है, तो मान लीजिए 10 तारीख, तो 10 तारीख को हम टच कर लेते हैं। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ 10/12/1996, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया, और आगे जाके यहाँ पे रजिस्टर करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए
कैसे रजिस्ट्रेशन इस कंप्लीट करना है इसका वीडियो बना हुआ है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो जल्दी से देखिएगा वीडियो को, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक वीडियो दिखाई देगी आपको, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर कोई जानकारी छूटी है तो आप हमें कॉमेंट करिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे हज़ारों कॉमेंट आते हैं तो सभी का जवाब देना तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जिसका भी कोशिश करता हूँ कि सभी का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए। अरे कुछ नहीं तो अभी इलेक्शन का टाइम है, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा। चलिए, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।